आज प्रतापगढ़ शहर के दीपेश्वर महादेव में प्रतापगढ़ विधायक पहुंचे हैं। यहाँ पर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया, तो जहाँ तक जीत के बाद में ये पहली बार यहाँ दीपेश्वर महादेव पहुंचे हैं और यहाँ पर महादेव की पूजा अर्चना भी की। हम बात कर जानना चाहेंगे क्या कुछ विकास कार्य हो रहे हैं और किस तरह से दीपेश्वर महादेव का विकास किया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी यहाँ पर विकास की घोषणा की थी परंतु उन पर काम नहीं हो पाया था। अब वर्तमान जो सरकार है उसके विधायक है हमारे साथ में, हम बात कर जानना चाहेंगे किस तरह से दीपेश्वर महादेव प्रांगण का विकास किया जाएगा। इस महादेव के पवित्र स्थल पर आज 45 लाख रुपए के विकास कार्य की शिलान्यास नगर परिषद द्वारा हम सब ने किया है और पूरे नगर परिषद क्षेत्र में 1,10,00,000 के विकास के कार्य हुए। पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया ये प्रश्न अब नहीं है, क्योंकि न वो सरकार है न वो जनप्रतिनिधि है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व है और भारतीय जनता पार्टी की ही नगर परिषद इस पूरे प्रांगण में विकास के सभी काम करेगी, जिसमें 45 लाख रुपए की स्वीकृति अभी हो गई है और हमने ये शिलान्यास की जो पट्टिकाएं हैं उनका अभी उद्घाटन किया। 45 लाख रुपए के विकास कार्य प्रतापगढ़ नगर परिषद द्वारा किए जाएंगे, इसकी घोषणा यहाँ पर की गई है और इसके शिलान्यास किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज राठौड़ काटल के बाद प्रतापगढ़।